जैसे कि आप लोग सब कह ही रहे हो, एक साथी का खो जाना, एक साथी का छिन जाना, अपने आप को बिल्कुल हम बिखरा हुआ मानते हैं। और ये जो पिछले साल दो निकले हैं, कई साथी खोए, मेरे परिवार में, यूनिवर्सिटी में ऐसे साथी। और हर बार अपने आप को बिल्कुल नीचे खींच लेता है कि अब कहाँ से ऊर्जा आएगी। मैं किसी को भी आइडलाइज नहीं कर रही हूँ, हर कोई अपने में बहुत कुछ समेटे हुए, हम अकेले कुछ भी नहीं। अगर हम एक साथ मिलकर चले हैं, अगर एक साथ हमने कुछ भी अपना मकसद सामने रखा है, तो हमने समझना है कि आज जिस तरह की संघर्ष का सामना हम कर रहे हैं, शायद हमने पहले नहीं किया। और अगर हम वास्तव में थोड़ी भी हमारी निष्ठा है उसके प्रति, उस साझी लक्ष्य के प्रति, तो हमें जरूर एक दूसरे के साथ और एकजुट होकर कैसे आगे इस बहुत संघर्ष है। तो जिस तरह हमने अमरीश को खोया, वो अपने आप में ही बहुत ही दुखद चीज है। कैसे कोई ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए, हॉस्पिटल के लिए तड़पते हुए कोई जाए। मुझे मालूम है, मैं हॉस्पिटल में थी 2 हफ्ते कोविड में, और मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से एक हॉस्पिटल का कमरा मिलना भी अपने में क्या सौभाग्य था। पर अकेले वाकई हम कितना भी लिख ले, बोल ले, समझ ले, बात कर ले, पर उस एक पॉलिटिक्स को समझना है हमें एक साथ। शिक्षा एक पॉलिटिक्स है, किसी के भी हित के काम करने के लिए एक पॉलिटिक्स है। उसके प्रति बहुत सारी फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ हम कैसे उनका सामना करेंगे, और किसी मकसद से और किसी मीनिंगफुल, एक सार्थक रूप से करेंगे। 5 बातें कह लिए, एक लेख लिख लिया, वो हम सब कर लेते हैं। पर अगर हम वास्तव में उस कदम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जो 10 साल पहले हमने किया, तो फिर हमें एकजुट होकर ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।